हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, छोटे बच्चों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। स्पेशली अगर ये बच्चे की पहली गर्मी है, उस केस में छोटे बच्चों को गर्मी ज़्यादा लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे को पसीना बहुत आ जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों के साथ आपको ध्यान रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो गर्मी के मौसम में अक्सर पेरेंट्स बच्चों के साथ कर जाते हैं, जिससे बच्चा अक्सर बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। गर्मी के मौसम में छोटे बच्चों को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो है लाल दाने होना, घमोरिया होना या हीट रैशेज होना। लाल दाने छोटे बच्चों के बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाते हैं, पेट पर, पीठ पर, सर पर या बच्चे के प्राइवेट पार्ट के आसपास के एरिया में। और छोटे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की पसीने की ग्लैंड अभी डेवलप हो रही है, जिससे पसीना बाहर नहीं निकल पाता है और हीट रैश हो जाता है बच्चे को। और ये हीट रैश गर्मियों में छोटे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, ये अक्सर ही बच्चों के हो जाते हैं। अगर बच्चे के हीट रैश है, तो उस केस में आपको मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर हीट रैश वाले एरिया में लगाना है और 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। उसके बाद इसे पानी से धोकर साफ कर देना है। आप हीट रैश वाले एरिया में एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को हीट रैश से बचाने के लिए आपको बच्चे को कॉटन के कपड़े ही पहनाने हैं, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाने हैं। और बच्चे के कपड़े का साइज एक नंबर बड़ा ली, जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। और घमोरिया होने पर उस एरिया में कभी भी हमें पाउडर नहीं लगाना है, क्योंकि पाउडर लगाने से पोर्स और बंद हो जाते हैं और घमोरिया बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम में बच्चे की मालिश आपको ऐसे ऑयल से करनी है जो स्टिकी ना हो, क्योंकि ज़्यादा स्टिकी ऑयल बच्चे की स्किन पे रह जाते हैं और वो पोर्स को बंद कर देते हैं, जिससे बच्चे को घमोरिया ज़्यादा होती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में बच्चे की मालिश करने के लिए आपको कोकोनट ऑयल का यूज़ करना चाहिए, और मालिश करने के 15 मिनट के बाद आप बच्चे को नहला दीजिए। अगर ज़्यादा देर तक ऑयल गर्मी के मौसम में बच्चे की स्किन पे रह जाता है, तो वो भी बच्चे के पोर्स को बंद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब धूप बहुत तेज होती है, उस समय बच्चे को घर से बाहर ले जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बच्चे को घर से बाहर लेके जा रहे हैं, तो बच्चे को हमें कॉटन के कपड़े से कवर कर तभी बाहर लेके जाना चाहिए। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हम गर्मी के मौसम में बच्चे को बिल्कुल भी धूप ना लगाएं। इसलिए बच्चे को मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए धूप में ज़रूर लेके जाइए, जिससे बच्चे को विटामिन डी मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में आपको पूरे दिन बच्चे को डायपर में नहीं रखना है। जितना हो सके दिन में बच्चे को डायपर नहीं पहना है, रात में आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। बच्चे को कॉटन के नैपी पहना कर रखिए, और हर समय बच्चे को गोद में लेके मत रखिए गर्मी के मौसम में, क्योंकि इससे बच्चे को और ज़्यादा गर्मी लगती है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में बच्चे को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है। अगर बच्चे की एज 0-6 मंथ है, तो उस केस में बच्चे को टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड कराइए। बच्चा अगर दूध की डिमांड नहीं भी कर रहा है और बच्चे को दूध पिए हुए टाइम हो गया है, तो उस केस में बच्चे को दूध पिलाइए। और अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है, तो उस केस में आप बच्चे को दही, छाछ, नारियल पानी भी दीजिए। और गर्मी के मौसम में 6 मंथ से बड़े बच्चे को गर्म तासीर वाली चीज़ें जैसे एग, ड्राई फ्रूट्स, जायफल कम से कम बच्चे को दें, क्योंकि इससे बच्चे को गर्मी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में हम बच्चे के लिए फ़ैन का, एसी का और कूलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें बच्चे को डायरेक्ट एसी, फ़ैन या कूलर की हवा में नहीं सुलाना है, क्योंकि इससे ही बच्चे को सर्दी, जुकाम, खांसी होने के चांसेस होते हैं गर्मी के मौसम में भी। और एसी यूज़ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बच्चे को रूम से बाहर लेके जाएं, तो सडनली हमें बच्चे के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, क्योंकि इससे बच्चे की तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।